सब स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने चैनल के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बी फार्मा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सबसे टफ बायो फार्मास्यूटिक्स और इसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध डेरिवेशन हर साल एग्जाम में आते ही है। इसमें कंपार्टमेंट मॉडलिंग के बारे में समझना है जो कि बहुत ही टफ प्रोसेस है। इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही आसान ढंग से इसको पूरे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए चैप्टर का नाम है यूनिट 3 बायोफार्मास्यूटिक्स का फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। एंड व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स, मतलब मॉडल का मतलब आ गया दोस्तों कि ये एक हाइपोथेटिकल, ये रियल नहीं है। जब भी हम कोई मॉडल शो करते हैं, जैसे आपने सोचा होगा कि कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनाने से पहले, जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो उससे पहले एक मॉडल बनाया गया था कि यहाँ पे ऐसे मंदिर होगा, यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे खंबे होंगे, यहाँ पे दुकानें होंगी। तो मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज का एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है और फिर उस हाइपोथेटिकल चीज को पहले एज्यूम करके, जज करके फिर हम रियल रूप उसको देते हैं। तो ये फार्माकोकाइनेटिक मॉडल एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इसको समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर की शुरुआत होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स दोस्तों हम आपको ऑलरेडी कोलोजी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वहां पे समझने कोई जरूरत नहीं है। वहां पे आपने क्या पढ़ा कोलोजी में इसके बारे में दोस्तों, आपने पढ़ा है कि जो ड्रग है हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी ड्रग के खिलाफ क्या क्या रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि ADME एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, ये चारों क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, ऑलरेडी ये सब आप कोलोजी में और बायोफार्म में पढ़ चुके, इसलिए मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा। टॉपिक स्टार्ट करूंगा यहाँ से फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। दोस्तों मॉडल क्या है, देखिए समझिए, हमारा जो बॉडी है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हम जब भी कोई दवा खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, कोई न्यूट्रिएंट खाते हैं, वो हमारे ब्लड में जाता है। और ब्लड में कैसे जाता है, पहले स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से एब्जॉर्ब कहा जाता है ब्लड। अब ब्लड जो है वो एक सेंट्रल एरिया है और उसके बाद से ये कोई भी नहीं कह सकता कि ब्लड के बाद कहाँ जाएगा। हो सकता है कुछ पोर्शन लीवर में चला जाए, हो सकता है कुछ पोर्शन किडनी में चला जाए, हो सकता है कुछ पोर्शन लंग में चला जाए, हो सकता है कुछ पोर्शन ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके ब्रेन में चला जाए, या हमारे बॉडी के कुछ एक्स्ट्रा वैस्कुलर या इंट्रा वैस्कुलर जो टिश्यूज है उसमें भी जा सकता है। यानी हमारा ब्लड, एक ड्रग जब एक बार ब्लड में पहुंच गया तो ब्लड में पहुंचने के बाद वो कहां जा सकता है, मैंने माना ये हमारा ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आने के बाद वो लंग्स में भी जा सकता है, वो किडनी में भी जा सकता है, ठीक है, वो हमारे हार्ट में भी जा सकता है, वो हमारे ब्रेन में भी जा सकता है, ठीक है, वो हमारे कुछ और भी अदर टिश्यूज में जा सकता है। यानी ये जो ड्रग है ब्लड में आने के बाद वो कई अलग अलग जगह पे जा सकता है। तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर ये फिक्स होता कि भैया ब्लड के बाद लंग के बाद किडनी, किडनी के बाद हार्ट, ये ब्रेन, इसे अगर एक फिक्स पैरामीटर होता तो हम आसानी से किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते, इजीली कैलकुलेट कर लेते। अब से मान लीजिए कि हम किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन रेट चेक करते हैं, हम किडनी के बाद यूरिन सैंपल लेते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारा का सारा ड्रग किडनी में ही गया हो। हो सकता है कुछ लंग्स में गया हो, कुछ यहाँ गया हो, कुछ यहाँ गया हो, कुछ यहाँ गया हो, अलग अलग जगह पे जाता है। तो हम एक जगह से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन ड्रग का कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को आप समझिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने फार्माकोलॉजी में कुछ एडवांस फार्मास्यूटिक्स घुसेड़ दिया और उसको बना दिया बायोफार्मास्यूटिक्स। उन्होंने क्या किया कि सबकी जगह पे उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, यानी एक जगह पे कैलकुलेट करो और बाकी का डेटा अपने आप मिल जाएगा कि ड्रग कहां पे गया। ये मानते हैं कि जो ड्रग का रिलीज रेट है अलग अलग बॉडी एरियाज में वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर। तो उन्होंने माना कि जो ये ब्लड है ये एक कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट मतलब एक कमरा है। इस कमरे में लाके पहले हम लोगों ने क्या किया, सारा सामान रख दिया। अब कुछ माल इस कमरे में, कुछ माल इस कमरे में, कुछ माल इस कमरे में, हम यहां पे भेजना शुरू करते हैं। तो ये जो हाइपोथेटिकल मॉडल है, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है, ये मानता है कि जो हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन हैं वो अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट है, एक हाइपोथेटिकल, एक मान लेता है कि ये अलग अलग कमरे हैं और हर कमरे में जो ड्रग के रिलीज का रेट है वो अलग अलग है। तो किसी भी कमरे में किस रेट से ड्रग रिलीज हो रहा है, अगर ये हमें मालूम चल जाएगा
तो हम ये आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि ड्रग का एक्शन कितना ज्यादा होगा, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना ज्यादा होगा, ड्रग का एलिमिनेशन रेट क्या होगा, ड्रग हमारे बॉडी में कितनी देर तक रहेगी, कितनी बार हमको टैबलेट खाना पड़ेगा, कितना एक बार में कितना डोज हमको खाना पड़ेगा, 500 mg खाना है कि 5 mg खाना है, दिन में 3 बार खाना है कि 4 बार खाना, ये सारा कुछ मालूम चल जाएगा अगर हम ये जान ले कि ब्लड से किस ऑर्गेन में किस रेट से ड्रग पहुंच रहा है। बस इन्हीं सभी कम चीजों को समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल मॉडल प्रस्तुत किया गया है जिसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल कहते हैं। समझ में आ गया होगा, तो हम इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहे तो आपकी हेडिंग है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग मूवमेंट विद इन द बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ड्रग व्हेन इट कम्स इनटू द आवर comes into our blood, then they goes into the different tissues like lung, kidney or brain, heart and other tissues in different rates. ठीक है? So for the calculating and through getting the exact data and rate kinetics of any drug, a hypothetical model is given which is called pharmacokinetic model. क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। मैं समझा गया कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं इस मॉडल को कैलकुलेट करने के। तो अगली हेडिंग है मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। इसको इस तरह समझिए दोस्तों कि दो होते हैं मॉडल, एक होते हैं कंपार्टमेंट मॉडलिंग और दूसरा होता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग। जब हम किसी भी अलग अलग ऑर्गेन को कंपार्टमेंट के रूप में देखते हैं, कमरे के रूप में देखते हैं, और ये सेंट्रल कमरा है, बगल बगल कमरे हैं, और कमरे के रूप में देख के कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट मॉडल। और जब कंपार्टमेंट ना मान करके हम अलग अलग ऑर्गेन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। तो लेकिन इसको हम अलग अलग नाम जानते हैं, तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है मॉडलिंग अप्रोच या मॉडल अप्रोच, और दूसरा है मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। यानी एक में हम मॉडल बनाते हैं और दूसरे में मॉडल का काम नहीं करते, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो दो प्रकार के मेथड्स होते हैं, मॉडल अप्रोच एंड मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। क्लियर हो गया दोस्तों? अब मॉडल अप्रोच जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल जो मैंने यहाँ आपको बताया, दूसरा है फिजियोलॉजिकल मॉडल। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गन को कंपार्टमेंट नहीं मानते बल्कि फिजियोलॉजिकल ऑर्गन मानते हैं, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। ठीक है, तो हम सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी से, पूरे चैप्टर बस यही हमको पढ़ना है ये सारा। तो मैंने कहा कि मॉडल अप्रोच तीन प्रकार के होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल, फिजियोलॉजिकल मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। और जो आपके मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच है इसको बोलते हैं नॉन कंपार्टमेंट मॉडलिंग, ये इसका एक ही टाइप है, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जो कंपार्टमेंट मॉडल है वो दो प्रकार के होते हैं, मैमिलरी मॉडल और कैटेनरी मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं डिस्कस करूंगा, दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मैमिलरी मॉडल और कैटेनरी मॉडल ये कंपार्टमेंट है। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल मॉडल होता है उसके दो प्रकार होते हैं, परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल एंड डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल। अगेन रिपीट, परफ्यूजन लिमिटेड मॉडल, डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास से हम बारी बारी से पहले स्टार्ट करेंगे कंपार्टमेंट मॉडलिंग, इसमें मैमिलरी और कैटेनरी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सारे, फिर मैमिलरी के अंदर भी कई प्रकार है, वन टाइप कंपार्टमेंट, टू टाइप, थ्री टाइप, फोर टाइप, फाइव टाइप, फिर उनके सारे कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ग्राफ, कर्व, एलिमिनेशन, ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। फिर कैटेनरी, फिर फिजियोलॉजिकल, डिस्ट्रीब्यूटेड और ये सब तीनों चारों को डिस्कस करेंगे। ये पूरा यही डिस्कस करना है और चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको इतना जान लिया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एप्लीकेशन, कि क्या फायदा है फार्माकोकाइनेटिक मॉडल को पढ़ने का, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके रीजन है। तो नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। उसमें पहला पॉइंट है कैरेक्टराइजिंग द बिहेवियर ऑफ ड्रग इन पेशेंट। देखो, कोई भी ड्रग होता नहीं कि जो ड्रग एक पेशेंट को फायदा कर रही है जिस रेट से, उसी रेट से सबको फायदा करे। कभी कभी किसी को कोई ड्रग नुकसान करती है, कभी कभी किसी को आधी गोली देनी होती है, कभी किसी को दो गोली देनी होती है, कभी किसी को एक दिन में दो बार देते हैं, किसी को तीन बार देते हैं, क्या है ये? अलग अलग पेशेंट में सेम ड्रग का बिहेवियर अलग क्यों है? ये डिपेंड करता है उसके कंपार्टमेंट मॉडलिंग पे, उसके रेट पे। तो हम इस मेथड को यूज करके आसानी से किसी भी ड्रग का पेशेंट के अंदर बिहेवियर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
दूसरा प्रेडिक्टिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इन वेरियस बॉडी फ्लूइड, यानी यहाँ के बाद बॉडी में किस किस जगह में कितना ब्लड ड्रग गया है उसका कंसेंट्रेशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस मॉडल का इस्तेमाल करके। तीसरा प्रेडिक्टिंग द मल्टीपल डोज कंसेंट्रेशन कर्व फ्रॉम सिंगल डोज। देखिए अगर किसी पेशेंट को हम एक ड्रग दे रहे हैं दोस्तों तो उसका कर्व कुछ इस तरह से आएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन अगर हम किसी को मल्टीपल डोज दे रहे हैं, ठीक है मल्टीपल डोज दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जैसे ही ड्रग आ सकता है दूसरा डोज दे दिया 6-6 घंटे में, फिर अगले 6 घंटे में अगला दे दिया, तो जब मल्टीपल डोज देते हैं तो जो कंसेंट्रेशन कर्व जो है वो कैसा बनेगा, हमारे ब्लड में कितना ग्राम में ड्रग का जो मिनिमम कंसेंट्रेशन मेंटेन रहेगा, पेशेंट को लगातार असर होता रहेगा, तो वो मल्टीपल और सिंगल डोज के बीच कर्व को भी हम डिफरेंशिएट करके किसी भी पेशेंट के अंदर कितना डोज देना है ये डिसाइड कर सकते हैं इस मॉडल के द्वारा। अगला है कैलकुलेटिंग ऑप्टिमम डोजेस, कितना डोज देना है 200 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम किसी भी ड्रग का कितना डोज हमको देना है वो भी इस मॉडल से हम बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है इवैल्यूएटिंग द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, कितना डोज ज्यादा देने पर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कितना डोज देने पर पेशेंट को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है कोरिलेटिंग प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन विद फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कितना ड्रग कंसेंट्रेशन आएगा तो रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर है किसी व्यक्ति का 180 हो गया, अब हमने 2 मिलीग्राम दिया एम्लोडिपिन तो 160 हो गया, 4 मिलीग्राम दिया तो 150 हो गया, 5 मिलीग्राम दिया तो 130 हो गया, यानी किस डोज पे कितना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है इसको भी हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ इसके एप्लीकेशन हो गए दोस्तों और इसके टाइप्स हो गए और डेफिनेशन हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, क्लास पहली थी, दूसरे क्लास में हम लोग कंपार्टमेंट बॉटलिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें मैमिलरी और कैटरी दोनों के थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट क्लास में इसके भी हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए लिखते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, भारत माता की जय।